वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। धारावी, ये नाम सुनते ही जेहन में बेहद घनी बस्ती, एकदम सकरी गलियां और छोटे से कमरे में 12-15 लोगों के रहने की तस्वीरें खिंची जाती हैं। फिल्मों में दिखाया जाने वाला धारावी हकीकत में भी इससे इतर नहीं है। महज 2.4 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में करीब 60,000 परिवार रहते हैं, मतलब 8.5 लाख लोग इसी एरिया में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि धारावी को एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है और कोरोना नाम का खौफनाक वायरस इसी धारावी में एंट्री भी कर चुका है। अब तक 47 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं जबकि 5 की मौत हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस इलाके में रहने को जगह नहीं है वहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि धारावी जैसे हालात में कम्युनिटी ट्रांसमिशन बेहद आसानी से हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ कुमार संभव जैन। जनसत्ता की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम धारावी के हालात को जानते और समझते हैं। सबसे पहले हम धारावी के हालात से रूबरू हो लेते हैं। यहाँ 10x10 के कमरे में 9 से 10 लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग लागू करना पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए बेहद मुश्किल टास्क है। धारावी की 92 फुटा रोड पर रहने वाली मंजू चौहान कहती हैं कि एक छोटे से कमरे में हम 7 लोग रहते हैं। इनमें से 3 बच्चे हैं जो 10 साल से छोटे हैं। पूरे दिन कमरे में बंद रहने से बेहाल हो जाते हैं। ऐसे में मेरे पति ताजी हवा के लिए बच्चों को कुछ देर के लिए खुले में ले जाते हैं। बच्चों को घर पर ही रोके रखने के लिए टीवी पर पूरे दिन कार्टून चैनल चलता रहता है। जी नॉर्थ वार्ड की असिस्टेंट कमिश्नर किरण दिघावकर कहती हैं कि इन लोगों के मकान बेहद छोटे हैं। ऐसे में उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना मजाक जैसा लगता है। इलाके के सोशल वर्कर शंकर संगम बताते हैं कि यहाँ कमरे काफी छोटे हैं, उनमें वेंटिलेशन का कोई रास्ता नहीं है, गर्मी काफी ज्यादा रहती है। ऐसे में लोगों के पास बाहर निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। धारावी में टॉयलेट तक कॉमन है। यहाँ एक टॉयलेट को करीब 200 लोग शेयर करते हैं। इसके बावजूद हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके लिए स्थिति कुएं और खाई जैसी है। हालांकि कांग्रेस विधायक और स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ कहती हैं कि ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हमारा पूरा फोकस सैनिटाइजेशन, कंटेनमेंट और आइसोलेशन पर है। अब हम जानते हैं कि धारावी में आखिर कोरोना वायरस फैला कैसे। दरअसल धारावी में कोरोना का पहला केस 1 अप्रैल को सामने आया था। धारावी की पॉश लोकेशन बालिंगा नगर की हाईराइज में रहने वाला एक शख्स पॉजिटिव पाया गया था। पुलिस के मुताबिक उसके फ्लैट में तबलीगी जमात के कुछ लोग ठहरे थे। उसके करीबियों को तो तुरंत ही ट्रेस कर लिया गया था लेकिन तबलीगी लिंक तब सामने आया जब 3 अप्रैल को मुकुंद नगर में तीसरा केस मिला। उस वक्त खुलासा हुआ कि तबलीगी जमात के लोग एक बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे और इलाके के कई लोगों से मिले थे। जानकारी के मुताबिक धारावी के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए प्रशासन भी जी जान से जुटा हुआ है। इसके लिए साई हॉस्पिटल में 50 बेड कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं। राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 300 बेड के आइसोलेशन फैसिलिटी तैयार की गई है। इसके अलावा म्यूनिसिपल स्कूल कॉम्प्लेक्स में 700 बेड का आइसोलेशन कैंप बनाया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर धारावी के लोग आखिर क्या कहते हैं, प्रशासन की तैयारियों को लेकर उनकी राय क्या है। दरअसल धारावी के लोग लगातार प्लानिंग की कमी होने की बात कह रहे हैं। इलाके में कम्युनिटी किचन व शिव भोजन सेंटर चलाने वाले असलम दौलत खान कहते हैं बीएमसी को डोर टू डोर खाने के पैकेट व राशन डिलीवर करना चाहिए। अगर खाना मिल जाए तो लोग बाहर क्यों निकलेंगे, मौत से तो सभी डरते हैं, लोगों को कोरोना से ज्यादा भुखमरी का डर है। इस रिपोर्ट में हमने आपको एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी के हालात से रूबरू कराया। आपको क्या लगता है, क्या बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार इन गरीबों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।